हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। सो आज हम करेंगे बिगिनर्स लेवल का बैक वर्कआउट। सो आज मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ, जब आप न्यू ज्वाइन करते हैं जिम में तो बैक वर्कआउट कैसा होना चाहिए, तो आप वीडियो पे बने रहिए। तो फर्स्ट सेट में क्या करना है ना, हमें मारना है पुल अप्स, ठीक है। चलो पुल अप्स मारो, एक दिखाता हूँ। ऐसे एक चेयर ले लेना, चेयर के ऊपर आराम से उठ जाओ, फिर थोड़ा वाइट पकड़ो, थोड़ा सा वाइट, बस फुल स्ट्रेच, फुल स्क्विच, ओके स्ट्रेच, पूरे ऊपर जाना स्क्विच। अगर नहीं हो रहा है ना, फर्स्ट फर्स्ट नहीं हो रहा है ना, तो ट्राई करो कि पूरा हो जाए, ठीक है। इसका भी पहले नहीं होता था, तो अभी तो हो गया। ऐसे क्या करना है, ऐसे आपको मारना है, कितना ऐसे मारना है आपको, 10 मारना है, इसका 3 सेट लगाना है। फिर हम नेक्स्ट सेट करेंगे, नेक्स्ट सेट में क्या रहेगा, लैट पुल डाउन, ओके। तो देखो, अगर ये मशीन किसी के पास नहीं होगा ना, तो जैसा भी मशीन है, लैट पुल डाउन मशीन तो हमेशा जिम में रहता ही है, तो उस पर क्या करना है, पूरा अच्छे से स्क्विच करो नीचे, प्रेस स्क्विच स्क्विच स्क्विच, हैंड को यहीं पे रखना, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे, और बैक के ऊपर लोड आए, ऐसे रखना कि बैक के ऊपर लोड आए, ठीक है। चलो विदाउट फुल स्ट्रेच, ठीक है, ऐसे विदाउट ऊपर फुल स्ट्रेच, ऐसे आपको 10 करना है, 10 का 3 सेट लगा लेना है, ठीक है। तो वर्कआउट के बाद ना क्या हम मिस करते हैं पता है, तो ये जो है ना स्ट्रेच मिस कर जाते हैं। देखो स्ट्रेचिंग करना है, अच्छे से स्ट्रेचिंग, और स्ट्रेच कर थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा और कर, और थोड़ा और होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्लोली रिलैक्स स्लो। देखो भाई, ये कभी भी मिस मत करना, ठीक है। अभी जब भी वर्कआउट करते हैं ना, किसी भी वर्कआउट करते हैं, तो ये चीज़ मिस मत करो कि क्या करना है, हर एक्सरसाइज के बाद ना स्ट्रेचिंग करो। जितना स्ट्रेचिंग करेंगे उतना मसल मसल में ब्लड सर्कुलेशन उतना हाई होगा, तो फिर आपका शेप अच्छा आएगा। माइंड के साथ ना वो कनेक्शन, माइंड मसल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट में। नेक्स्ट हम क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट करेंगे सिंगल हैंड डंबल रोइंग, ठीक है। देखो ये पोस्चर बनाना, पहले जब आप नया नया स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो इसका ध्यान रखना कि ये चेस्ट आप हाई रहे, ऐसे चेस्ट हाई रहे, और ये जो है कर्व कर्व बन जाए, और है ना ये इस टाइप का कर्व बनना चाहिए, ठीक है। और स्लोली ऐसे क्लोज डाउन अप होल्ड, इतना ऊपर मत ले, क्लोज क्लोज, हाँ स्लोली डाउन, ओके। ऊपर जाके ब्रीद आउट करना, नीचे अच्छे से स्ट्रेच करना, ठीक है, गुड। टी शर्ट ओपन करो, टी शर्ट खोलो, देखो इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हुआ बताओ कमेंट करके। चल ये जब यहाँ आया था ना, ये कितना था तुम्हारा बॉडी वेट, कितना था 50. इसका 50 था बॉडी वेट, अभी कितना बॉडी वेट है, 62 है भाई। देसी चीज़ खाओ और धीरे धीरे बढ़ाओ, सब बढ़ जाएगा। मतलब ना रूल्स होना चाहिए, रूल रेजुलेशन में आप रहेंगे ना, तो कुछ भी चीज़ सब चीज़ पॉसिबल है। स्लोली अप, हाँ पूरा नीचे तक लेके जाओ, गुड, ऐसे ये यहाँ लेके आओ, यहाँ तक स्क्वीज हो जाए, स्क्विच गुड स्ट्रेच, ठीक है। तो ऐसे क्या करना है, 10-10 करके आपको कितना सेट लगाना है, 3 सेट लगाना है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। देखो जिसका भी ये सिंगल हैंड में ना प्रेशर अच्छे से फील नहीं होता है, तो उसको क्या करना चाहिए, चेस्ट सपोर्टेड रोइंग भी कर सकते हो, ठीक है। इसलिए क्या करना है, ऐसा बेंच तो जिम में मिल ही जाएगा, ठीक है। तो देखो ऐसे ग्रिप ले लेना, ठीक है, उसको ऐसे ही खींचना है जैसे खींच रहा है राहुल। चलो स्लो, चल चल चल, हाँ स्क्विच अच्छे से अच्छे से, स्ट्रेच 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 स्ट्रेच, हाँ स्क्विच, होल्ड 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 होल्ड, स्लोली डाउन, हाँ। और एल्बो हमेशा ना एल्बो क्लोज रखो ऐसे, चलो ऐसे क्लोज क्लोज स्क्विच, पूरा स्क्विच, ये पूरा बैक में फील आना चाहिए, ठीक है। फिर स्ट्रेच पूरा, हाँ स्क्विच, चल लेके चल लेके चल, स्ट्रेच स्क्विच स्ट्रेच, ठीक है। तो
अगर सिंगल हैंड में मजा नहीं आ रहा है ना भाई, चेस्ट सपोर्टेड रोइंग कर सकते हो या अलग से इसको ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। इसका भी 3 सेट लगाना है 10-10 का, ठीक है, या 12-12 रेप्स रखो, अच्छा है, इसका 3 सेट लगा लेना है, ठीक है। अगर आप इंटरमीडिएट हो तो उसके 4 सेट लगा लेना। लेफ्ट हैंड में लगाओ, फिर लेफ्ट हैंड, थोड़ा सा बेंच को इधर कर लो, बस बस बस, ठीक है, चल। ज़्यादा वेट लेने की जरूरत नहीं, ठीक है, ईगो लिफ्ट नहीं चाहिए, धीरे आराम से करो, मसल में टेंशन होना चाहिए, ठीक है, ये अच्छे से ब्रेक होना चाहिए लैट्स मसल, चल चल चल, हाँ, स्क्विच स्ट्रेच। देखो एक हैंड ना, जैसे लेफ्ट हैंड में कर रहे हैं ये, तो फिर राइट हैंड यहाँ होना चाहिए, ऐसे ऐसे पकड़ के रखो, इसलिए इसको बोलते हैं चेस्ट सपोर्टेड रोइंग, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, ठीक है। नेक्स्ट सेट में क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट सेट में हम करेंगे सीटेड रोइंग, ठीक है, सीटेड केबल रोइंग। चलो पकड़, इसमें भी हम 3 सेट लगाएंगे, ठीक है, इसको अच्छे से स्क्वीज करना है, ठीक है, नाभी पे ले गया, नाभी पे बस, हाँ ये सीधा रहेगा, स्क्विच पूरा, स्क्विच 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 स्क्विच, होल्ड स्लोली डाउन, स्ट्रेच पूरा, फुल स्ट्रेच, गुड, स्क्विच विदाउट, चल टू, चल स्क्विच विदाउट, 3, चल स्क्विच विदाउट, ऐसे, ठीक है। इसका भी 10-10 करके आपको 3 सेट लगाना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। नेक्स्ट सेट में क्या करना है ना, ये हमारा बिगिनर्स के लिए ना एंड, मतलब यही आखिरी है, तो हम एंड में क्या करेंगे, डंबल ओवर हेड, ठीक है। चलो तो हमारा एंड में यही रहेगा वर्कआउट, चलो पूरा आराम से।